हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ग्लो में। फ्रेंड्स, बात करेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। इसमें कुछ प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? सही आंसर है चंबल नदी पर। फ्रेंड्स, बात करते हैं जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, तो यह राजस्थान में पड़ता है, और गांधी सागर जलाशय यह एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, तपोवन और विष्णु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सही आंसर है उत्तराखंड में, और यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, सरसों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट है, कौन सी नकदी फसल दक्षिण भारत में रबी फसल की तरह उपजाई जाती है? तंबाकू, सही आंसर है, और तंबाकू के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है और प्रथम नंबर पर चाइना है। नेक्स्ट है, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकला जाता है? सही आंसर है संगमरमर। फ्रेंड्स, बात करते हैं संगमरमर राजस्थान के मकराना खान से भी निकाला जाता है, और यहीं से ताजमहल के निर्माण के लिए पत्थर मंगाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम परमाणु विद्युतगिरी कहाँ स्थापित किया गया? सही आंसर है तारापुर में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और इसकी स्थापना सन 1972 में की गई। नेक्स्ट है, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, और इसकी स्थापना सन 1964 में की गई। नेक्स्ट है, सतना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए, और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा आधुनिक बंदरगाह है जहां सर्वत्र अत्याधुनिक कंप्यूटर नियंत्रित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? नोहासवा, और यह महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, गुजरात स्थित किस बंदरगाह का निर्माण भारत विभाजन की क्षतिपूर्ति हेतु किया गया? सही आंसर है कांडला, और यह ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट है, भारत में कोंकण रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? रोहा, महाराष्ट्र से मंगलूर यानी कर्नाटक तक, और कोंकण रेलवे की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसी को CST बोलते हैं, CST। नेक्स्ट है, मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? सही आंसर है पश्चिमी। और भारत का स्थान मत्स्य उत्पादन में दूसरा है, और प्रथम चीन है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है? बुध और शुक्र। नेक्स्ट है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून यानी वरुण। नेक्स्ट है, अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य के चक्कर लगाती हैं? 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सा एक अवस्था सबसे सुसंगत है? सही उत्तर होगा बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा सूर्य के बाद दूसरे सबसे नज़दीकी तारा है प्रक्सिमा सेंचुरी, और इसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना वर्ष लगता है? तो 4.3 प्रकाश वर्ष, और यह पृथ्वी से 4.22
प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है? शनि को। और यह सभी ग्रहों से इसका घनत्व कम होता है, यह पानी पर भी तैर सकता है। और शनि ग्रह की खोज क्रिश्चियन हाइजन ने की, जो डेनमार्क के खगोलशास्त्री हैं। और इसके सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। नेक्स्ट है, किस महासागर से होकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती हैं? प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल, जब दिन और रात बराबर होते हैं, उसी को कहते हैं, यह कब होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। और दक्षिणी गोलार्ध में यह 21 जून और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है, बेसाल्ट के रूपांतरण से किस चट्टान का निर्माण होता है? सही आंसर है एम्फीबोलाइट। फ्रेंड्स, यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।